राजनीति में धर्म और जाति की बात कर रहे हैं, ये बांटना चाहते हैं एक दूसरे को। धोती वाले कोई दिख रहा है, सब लोग जींस में आ गए। गरीबी कहाँ है? सब लोग बाइके से चल रहा है, कोई साइकिल से चल रहा है, गरीबी है वो नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं साइंटिफिक हिंदू। देश की राजनीति में ज़्यादा हलचल मची हुई है क्योंकि प्रांतों में चुनाव और उसी के साथ उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। मैं हूँ अयोध्या में, लेकिन अयोध्या में भी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा तेज हैं क्योंकि ये पहला दीपोत्सव होगा प्राण प्रतिष्ठा के बाद, और यहाँ से बीजेपी भी हारी थी, उसके बाद का ये पहला दीपोत्सव भी है और देश में उपचुनाव भी है, राज्य में उपचुनाव भी है। तो सभी मुद्दों पर आइए बात करते हैं लोगों से कि क्या लोगों के लिए सही है। रोजगार की समस्याएं हैं, बहुत लोगों के लिए विकास की समस्याएं हैं, सरकार के अपने दावे हैं, विपक्ष के अपने अपने दावे हैं। सभी मुद्दों पर आइए जनता से बात करते हैं कि जनता क्या कहती है। इधर देखिए भाई साहब आएँ, कहाँ से आए भैया आप? मैं देहरादून से आया हूँ। तो ये बताइए कि जो सरकार वादे कर रही है वो पूरा कर रही है या नहीं कर रही है? देखो, जहाँ तक वादे की बात है, मैं ये बोलूँगा सबसे बड़ा हमारे जो प्रॉब्लम है अभी वो है महंगाई। और महंगाई पे इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि सरकार महंगाई के खिलाफ कुछ एक्शंस ले और इसके ऊपर कुछ काम करे। सब महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है आपके लिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार में बड़े हिंदू और मुसलमान की बात होती है कि हिंदू बड़े सुरक्षित। ये तो वोट का पोलराइजेशन हो गया कि आप वोट को बांट दो हिंदू और मुसलमान में, बट जो असली मुद्दा होना चाहिए वो शिक्षा, सुरक्षा और उसके अलावा हमारा स्वास्थ्य होना चाहिए। इन तीनों के ऊपर बात नहीं होती है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार महंगाई के ऊपर बात करे, सरकार स्वास्थ्य के ऊपर बात करे और सरकार शिक्षा के ऊपर बात करे। इस पर बात नहीं हो रही। रोजगार की क्या स्थिति है, आपको क्या दिख रहा है? मैं तो प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, तो बेसिकली मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं जाता, बट हाँ मेरे दोस्त हैं जो इस वक्त तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक दो साल से तैयारी कर रहे हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि भर्ती आती है लास्ट टाइम पे रुक जाती है, जब सिलेक्शन होने वाला होता है कभी आचार संहिता लग जाती है, कभी कुछ और लग जाता है, तो अभी एक तरीके से समस्या उत्पन्न कर देता है बार बार नौकरी पाने में। लास्ट में मेरे दोस्त, मैं अपने दोस्तों की बात बता रहा हूँ बिकॉज मैं कभी सरकारी नौकरी की तरफ नहीं जाता, तो ये एक मुझे मुद्दा लगता है कि सरकार को रोजगार के ऊपर काम करना चाहिए। अभी अयोध्या में दीपोत्सव भी होने वाला है, बड़ी तैयारियां चल रही हैं, लोग काफ़ी जो सनातनी लोग हैं कहते हैं कि बड़ा अच्छा काम हुआ, ये कैसा देख रहे हैं आप? नहीं, मेरे हिसाब से जो काम यहाँ पर हुआ है सच में बहुत बहुत बेहतरीन काम हुआ है, इसमें कोई दोराय नहीं है। ये कि अभी जो मेरे लिए मुद्दा है वो रोज़गार, महंगाई या जी। लेकिन यहाँ पे जो जितना भी काम हुआ है वो सच में बहुत ही काबिल तारीफ है और इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। शासन राज्य सरकार इस पर भी ध्यान दे कि रोज़गार इस पर भी ध्यान दे। चाची कहाँ से हैं? बिहार से। क्या स्थिति है? बिहार बढ़िया है। बढ़िया है, तो क्या मुद्दे आपके लिए क्या मुद्दे मायने रखते हैं? धर्म, विकास, रोजगार, शिक्षा, क्या सबसे ज्यादा आपको लगता है? देखिए, विकास हरेक फील्ड में विकास, शिक्षा में विकास हो और आपके जैसे हरेक फील्ड में विकास चाहिए। हरेक फील्ड में विकास। आपको लगता है कि योगी सरकार या केंद्र की मोदी सरकार ने विकास और शिक्षा पे काम किया है, बढ़िया काम किया है? कर रहा है और आगे करेगा भी। अयोध्या का विकास देख के बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा। दीपोत्सव पहली बार होने जा रहा है, ये कैसा मतलब प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव है, तैयारियां भव्य चल रही है, आप कैसे? बहुत जबरदस्त तैयारी चल रही है, अभी बाकी है दीपोत्सव, उससे पहले ही पता चल रहा है कि बहुत जबरदस्त तैयारी चल रही है। 4 दिन पहले ही आपको देखने लगा दीपोत्सव? बहुत जबरदस्त दीपोत्सव होने वाला है, हर एक बार से बहुत अच्छा होने वाला है इस बार। जी बिल्कुल। युवाओं के लिए क्या काम हुआ है? ये सब तो चलता रहता है, लेकिन युवाओं के लिए क्या काम? युवाओं के लिए सब काम ही हो रहा है। अच्छा, कुछ क्या कर योगी जी? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी ये यूपी में, लॉ एंड ऑर्डर से लेके सब तरह से विकास में दिख रहा है सारा, अयोध्या दिख रहा है। क्या अयोध्या के बाहर क्या दिख रहा है? अयोध्या के बाहर क्या नहीं है, नोएडा देखो आप, नोएडा से यहाँ तक आए हम। हाँ। तो बीच में जितना भी देखा, एक्सप्रेसवे से देखो, हर चीज से देखो, लॉ एंड ऑर्डर से देखो, कानून व्यवस्था देखो, बहुत शांति है। विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि सिर्फ सरकार दावे कर रही है और बहुत ज्यादा कर, विपक्ष का काम है सिर्फ करना चाहिए उनको, लेकिन इतने हद तक नहीं। हाँ। क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो खाली बैठे हैं। हाँ। खाली योगी जी का एक नारा बहुत प्रचलित चल रहा है, बटो के तो कटोगे, इसको कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात है। हाँ। अगर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हाँ। अगर हम बिखरे हुए हो रहेंगे तो सनातन का अभी दिखता है, जैसे भव्यता जो है सनातन बिखरे हुए थे, जुट रहेंगे सत्य सनातन वाले तो कुछ नहीं है। पहले बिखरे हुए थे क्या? पहले ये ओपोजिशन वाले, ये जो पार्टीज हैं, ये वोट की तुष्टिकरण के लिए ये बिखेर देते हैं पब्लिक को। हाँ, राजनीति में जाति और धर्म हावी हो जाता है। ये अब राजनीति में धर्म और जाति की बात कर रहे हैं,
ये बांटना चाहते हैं एक दूसरे को, जबकि हिंदू सनातन एक है, बिल्कुल। और मुद्दे क्या होने चाहिए सनातन पे काम, लेकिन बीजेपी ने, आपने कहा हिंदू एक है, बीजेपी ने ऐसा क्या काम किया है सनातन के लिए कि हिंदू एक तरफा वोट करे? क्या बीजेपी ही सनातन के लिए एक तरीके से ठेकेदार बनी? विपक्ष ने इतने दिन राज किया, कांग्रेस ने, यूपी में समाजवादी, बहुजन समाजवादी, लेकिन इन्होंने कब एक ये जो है हिंदुओं के लिए हमारी जो सनातन की व्यवस्था है जो आज दिख रही है वो कब किया इन्होंने? कोई काम किया? इन्होंने बांट के रखा, जनता को एक दूसरे से बांटते। अभी भी राजनीति जो हो रही है जातियों का, वो हाँ जनगणना, वो एक विभाजन का ही तो काम है। मतलब बार बार आपको लगता है सर कि विपक्ष से विभाजन किया है? वही मुद्दा ही है। और महंगाई नहीं है, महंगाई रहती तो इतनी जमीन महंगी हो गई है, खरीदने वालों की लाइन लगी है। लेकिन कह रहे हैं कि जो करोड़ शादी की दुकान पर जाइए तो वहाँ लाइन लगी हुई है। अभी एक डाटा आया है कि करोड़पति होते चला जा रहा है, गरीब गरीब होते चला जा रहा है, असमानता बढ़ती चली जा रही है। धोती वाले कोई दिख रहा है, सब लोग जींस में आ गए, गरीबी कहाँ है? सब लोग बाइके से चल रहा है, कोई साइकिल से चल रहा है, गरीबी है वही नहीं। वो गरीब वही है कि जो काम नहीं करना जानता है, जो फैशन में रहता है, आता जाता कुछ नहीं और बोलता है कि हमको पैसा सैलरी ही चाहिए। अच्छा योगी जी क्या जाति देख के बुलडोजर चलाते हैं, इनकाउंटर करते हैं आपको? नहीं तो ये कौन कहता है? नहीं नहीं, गलत वाला के बुलडोजर चलता है, सही वाले के यहाँ कहाँ चलता है कभी? बहराइच कांड सुने थे अभी? हाँ, तो क्या हुआ उसमें? मतलब क्या देख रहे हैं, क्या बहराइच कांड हिंदुओं के लिए कुछ असर डाल रहा है कि हिंदू एक? देखिए वो गलती तो हिंदू का भी था भाई, उसको नहीं चढ़ना चाहिए, लेकिन जो झंडा क्यों भाई उतारे चढ़ के? नहीं उसको किसी के घर में चढ़े गए तो भाई आत्मरक्षा के लिए तो कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा कर दिया बस इतना ही। बाकी क्या मुद्दा वो आप लोगों के जहन में मतलब चलता है कि बहराइच वाला मुद्दा? नहीं नहीं वैसा वैसे तो देखिए वो तो इतना बड़ा देश है तो कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। कहाँ से है भैया? मैं शिवाला से। अयोध्या में तो आप लोग काफी आते रहते होंगे, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मतलब ये सब अच्छा लग रहा है या और भी कुछ काम होना चाहिए? और काम होना भी चाहिए, काफी काम हुआ भी है। जी क्या बदलाव हुआ है? पहले यहाँ बहुत गंदगी रहती थी, जब से योगी जी आए हैं तब से काफ़ी काम हुआ है जी। तो अयोध्या मतलब आपको लगता है कि बीजेपी सरकार ने बदला है या अन्य सरकारें बदल भी सकती थी? अन्य सरकारें तो नहीं बदल सकती थी। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे थे कि अगर हमारी भी सरकार होती, फैसला आया होता तो हम इनसे भी तेज काम करवा दिए। देखो सरकार थी उनकी, अगर करवाना होता तो करवा दे होती जी। रोजगार का बड़ा मुद्दा उठाते हैं कि लोगों को इसी में भ्रमित किए हुए हैं रोजगार देने से बचने के लिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भ्रमित नहीं किए हैं जी। अब क्यों उपचुनाव होने वाला है, क्योंकि अयोध्या से बीजेपी हारी थी, तो उपचुनाव में क्या दिख रहा है कि लोग बीजेपी को इस बार सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल, बीजेपी जीती है आपकी जी, जीत जाएगी जी। पूरा का है, गलती हो जाती है अब गलती हो गई जनता से जी, इस बार पछता रहे हैं जी। जी बिल्कुल पछता रहे हैं, और याद आएंगे लोग। हाँ क्या नाम है? अमरीश पांडे। बढ़िया चल रहा है जी सर। क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। तो आप पढ़ के क्या करने वाले हो आगे? बस ऐसे ही पढ़ाई हो रहा है अभी। पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे लिए क्या मुद्दे मायने रखते हैं? ये सब बढ़िया चक्का चौथ या काम वाम करना है? काम वाम करना है। ये सब नहीं पसंद आ रहा है? नहीं नहीं, ये पसंद आएगा भाई, ये तो तब तो पसंद आएगा। नहीं, अच्छा इसके साथ काम भी मिल जाए और मजा आ जाए। हाँ वो तो है, यही सब बढ़िया। क्या नाम? रुपेश। रुपेश आपको क्या दिख रहा है मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के, मैं तो यहीं अयोध्या से हूँ, अयोध्या से हूँ, यहाँ हम आते जाते रहते हैं बराबर, बहुत अच्छा लगता है यहाँ की मुझे। अब अभी तो मैं यहाँ पे 4-5 दिन से लगातार आता हूँ, देखता हूँ अब जैसे यहाँ की तैयारियाँ चल रही हैं दीप उत्सव की, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और कुछ लोग हमारे जानने पहचानने वाले भी हैं, वो कहते हैं कि आएंगे हम यहाँ पे। अयोध्या मऊ शिवालक है यानी कि बहुत खास ही है, अयोध्या विधानसभा भी आप ही लोगों को लगता है, क्या कारण बनता है इस बार, क्या दिक्कत हो गई थी यहाँ पे हारने का? वो अरे हो जाती है, जैसे कि हैं कुछ हमारे नीति के तो गलतियाँ हो गई उनसे कुछ बोलने चालने में, या फिर जब इलेक्शन का माहौल था तो थोड़ी गलतियाँ उनसे हो गई है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अगली बार तो चांस बनेगा पूरा उनका। राजस्थान से। राजस्थान से क्या दिख रहा है यहाँ से? राजस्थान में बीजेपी वहाँ भी ये बढ़िया काम वाम कर रही है कि सनातन धर्म के नाम पे क्या किया काम, मैं यही जानना था।
सनातन धर्म के नाम पर तो वैसे मंदिर बनवाए हैं। हाँ मंदिर बना है। हाँ और क्या हुआ है? और तो देखिए सब जगह जय श्री राम हो रहा है। हाँ तो ये देखिए अयोध्या में लोग बाहर बाहर से लोग आए हुए हैं और लोगों से बात करेंगे। इधर देखिए महाकाल का झंडा उंडा लगाए हो भैया। कहाँ नाम है तुम्हारा? सुमित। कहाँ से आए हो? लखीमपुर खीरी। बड़ा दूर से चला हो यार, तो कहाँ यहाँ कोनो काम वाम से या दर्शन करे? काम वाम करे। कौन काम करे तुम? बस ऐसे टहलते घूमते रहते। टहलते घूमते रहते हैं। तो कैसा काम काज चल रहा है इस समय? बढ़िया काम वाम चल रहा है? रोजी रोटी बढ़िया? हाँ बढ़िया। सरकार बढ़िया कि कई वाली बढ़िया? यही वाली बढ़िया है। काहे हो ये वाली काहे बढ़िया है? काम वाम दिया है अयोध्या में चकाचौंध हो जाए इसीलिए? हाँ। अच्छा बहुत लोग कहते काम ही नहीं है। है, है? हाँ। क्या कहोगे उनसे जिनको कहते काम नहीं है? तो गवार हैं। हाँ। तो बहुत सही बात कह दी कि गवार है इसीलिए उनको काम नहीं मिल रहा है। काम करने वालों को काम मिलता है जी। सही है। देखिए बढ़िया है, लोग अपने अपने बात कर रहे हैं। क्या हाल चाल है? ठीक है बढ़िया। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं दर्शन करने? कानपुर से। कानपुर से बड़ा दूर से चले आए हो? तो कहाँ दर्शन करने आए थे? क्या कर लिए दर्शन? कर लिए बढ़िया लगा। हाँ। बीजेपी सरकार कैसे काम कर? अच्छा योगी जी अच्छा है? बढ़िया पसंद करते हैं? हाँ, हाँ। योगी की मोदी को? योगी अच्छा है। अखिलेश यादव का है? नहीं योगी है, मोदी है। अखिलेश यादव बढ़िया नहीं है? क्या नाम है सर? दिव्यक सिंह मोहन सिंह। क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। किस चीज़? बी ए सेकेंड ईयर। बी ए सेकेंड ईयर में तो क्या विचार है? ऐसा अयोध्या घूमना है कि नौकरी? नौकरी भी करना है। नौकरी कर रहे हैं। ये चकाचौंध कैसे लग रहा है? बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये आपको क्या लगता है कौन करवा सकता है? ये भाजपा की सरकार करवा सकती है। यादव में नहीं था? नहीं नहीं, पहले ही करवा दिए होते। क्यों नहीं करवाए? भरोसा नहीं? नहीं नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। अगर उनके 27 में, उनको तो कह रहे हैं सत्ताधीश, वो 27 में सरकार बना लेंगे तब क्या होगा? आएंगे ही नहीं वो। नहीं आएंगे? नहीं, नहीं आएंगे। काम हम तो कर रहे हैं, कह रहे हैं। नहीं कुछ नहीं है, कह रहे हैं लोकसभा चुनाव में हम सीट सबसे ज्यादा जीते हैं। नहीं कहने से थोड़ी हो जाएगा, इस बार जनता बदला ले लेगी। नहीं हाँ बदला ले लेगी। अच्छा युवाओं की बड़ी बात होती है इस सरकार में, कहा जाता है विपक्ष जैसा कहता है युवा बड़ा परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही है, ऐसा कुछ है या मिल उल रही है? सब मिल रहा है नौकरी, हमको नहीं मिला है। नहीं मिल रहा उनको क्या कहोगे? अब नाराज हो जाएंगे तुमसे? नाराज क्या होंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ काम नहीं मिल रहा, तुम पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाएंगे, उन लोग तो नौकरी क्या मिलेगा? मतलब पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा है, काम मिलेगा। हाँ तुलना की जाए, पढ़ रहे हैं आज की डेट में 20,000 रुपया कमा रहे हैं ये भाई। देखिए ये देखिए जो बार बार रोजगार की बात करते हैं, बीए भी कर रहे हैं 20,000 रुपये भी कमा रहे हैं ना, काम करने वाले के लिए काम कभी नहीं, जो करना चाहेगा उसको मिलेगा। हाँ मिलेगा, यही है संदेश जी। काम पढ़ो लिखो, काम करो, काम मिलेगा। काम मिलेगा सही बात ये। इधर देखिए सर आए हैं, कहाँ से हैं सर? बरेली से। बरेली? बरेली से बड़े दूर से चले आए दर्शन वर्शन करने आए। हाँ हाँ हाँ। कैसा लग रहा है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम। योगी जी पसंद करेंगे कि मोदी जी? दोनों को। दोनों? अखिलेश यादव वो तो गए, फैसिलिटी है नहीं पसंद करते वो भी तो नेता रहे हैं, लेकिन काम जिनका ऐसा नहीं हुआ वो तो अपने उसमें रहते हैं हर वक्त। हाँ वो तो कहते हैं कि जो है पीडीए नारा लगाते हैं। अब योगी जी कहते हैं कटोगे तो बटोगे, किसके तो किसके नारे में विश्वास दिखा रहे हैं? योगी के। योगी के? अच्छा क्या काम किया है हिंदुओं के लिए उन्होंने ऐसा, यही जानना? सब काम क्या अच्छे किए हैं, खराब काम कौन सा किया है? अच्छा काम कौन सा? सभी काम अच्छे ही हो रहे हैं उनके, जहाँ भी देखो भाई सब काम अच्छे हो रहे हैं। योगी योगी हो रहा है। 27 में अखिलेश यादव भी सपना देखे हैं कि हम सरकार बना लेंगे। हाँ बना लेंगे। तो ये अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे लग रहा है? मुश्किल है बहुत। क्या योगी जी को ही बनाएंगे? योगी जी को बनाएंगे। योगी जी को। अच्छा आप लोग बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग क्या क्या सोचता है बुजुर्ग, मतलब कैसी सरकार होनी चाहिए हमारी? सही होनी चाहिए कोई। हाँ बढ़िया है। 10 में कितना नंबर देंगे? 9 नंबर पूरे। 1 नंबर कहाँ काट रहे हैं? वैसे ही काट रहे हैं थोड़ा बहुत। चलो ये थी अयोध्या की जनता और बरेली, अभी बिहार, मतलब देश के कोने कोने से भी महाराष्ट्र के लोग भी मिल गए थे। तो अयोध्या में रिपोर्टिंग करने में मज़ा इसीलिए आता है क्योंकि यहाँ पे हमको सब लोग मिल जाते हैं, जैसे कहा जाता है ना सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो हमको यहीं पे तीनों लोग मिल जाते हैं, अलग अलग पार्टी के लोग भी मिल जाते हैं, तो रिपोर्टिंग करने में मज़ा आता है। तो अगर आपको भी मज़ा आ रहा है ये वीडियो देख के, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।